Hey friends, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के लिए कुछ स्पेशल क्लीनिंग। अब घर में आपके साथ कर्टेन क्लीनिंग शेयर कर चुकी हूँ, बाथरूम क्लीनिंग शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे क्लीनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर चेकआउट कर ले। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये सब क्लीनिंग तो हम सभी करते हैं, कुछ चीजें जो हम नहीं क्लीन करते हैं वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे घर में सॉक्स तो बहुत पड़े होंगे, कुछ ऐसे सॉक्स भी होंगे जो केवल एक ही बचे हैं, अभी तक नहीं फेंके हैं, जल्दी से फेंक दीजिए, क्योंकि इस टाइप के कचरा ना हम अपने घर में बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जितने भी आपके घर में सॉक्स हैं जो केवल एक ही रह गए, मीन्स उसका पेयर नहीं है, जस्ट थ्रो इट आउट। दिवाली पर जब क्लीनिंग करते हैं ना तो पुराने कपड़े हम सब निकाल देते हैं। अक्सर होता क्या है, कुछ सूट होते हैं हमारे जिनके हम दुपट्टे तब भी रखते हैं कि यार वो तब काम आएगा, ये तब काम आएगा, लगता है कभी काम में आएगा, नहीं काम में आता है यार वो दुपट्टे वगैरह। तो अगर आप किसी को कुछ डोनेट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी पूरा एक सेट आप डोनेट कीजिए, तो उनको भी देखने में अच्छा लगेगा और आपको भी डोनेट करके बहुत खुशी होगी। तो इस तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे इकट्ठे नहीं होंगे। क्या थे आपके पास एक्स्ट्रा दुपट्टे, याद आया, तो जल्दी से उनको भी निकाल दीजिए। थर्ड थिंग, बहुत सारे मैं घर में ना प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हम इकट्ठी करके रखते हैं कि यार पानी की बॉटल में काम आ जाएंगी, पानी फिल करके रखेंगे, लेकिन जब अच्छी अच्छी सी बॉटल्स होती है ना तो वो यूज ही नहीं आती हैं। फिर क्या होता है, इकट्ठी होती रहती हैं। तो जस्ट थ्रो देम आउट, नहीं तो आप उनके बहुत सुंदर सुंदर से क्राफ्ट भी बना सकते हैं। क्राफ्ट जैसे कि अभी लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक लालटेन मैंने आपके साथ शेयर की है खाली बॉटल से, नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है शूज सैंडल्स। अक्सर हम गर्ल्स को ना ये शौक होता है कि हमें इस कलर के मैचिंग के भी चाहिए, उस कलर के मैचिंग के भी चाहिए, तो एकदम ना पूरा स्टैक बन जाता है हमारे पास। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके एक्स्ट्रा सैंडल्स हैं जो आपने अभी लास्ट 6-7 मंथ से यूज़ नहीं किए हैं, इन फ्यूचर में वो आपके यूज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, फिर आपको वो पुरानी चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप ये किसी को डोनेट कर दें तो उनके यूज़ में भी आएंगी, आपके घर में जितना भी एक्स्ट्रा कचरा है ना वो सब कुछ निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है किचन में हमारे बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि हम इसको तब बनाएंगे, अब बनाएंगे, और कई बार ना वो रखा रह जाता है। तो अगर आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान आप लाए और उसको भूल गए, तो उसके लिए बेस्ट टिप क्या है, हमेशा जो भी सामान लाए उन्हें ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखें ताकि आपको वो विजिबल हो, और जो सामान आपका नहीं लग रहा है उसको फ्रंट साइड में रख दें ताकि आपको वो दिखे, तो आप उसको बनाएं। नहीं बनाना है तो आप अपने घर में कोई भी नीड है आपकी उसको डोनेट कर दीजिए, कोई बाहर आते हैं मांगने के लिए तो उनको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर खराब नहीं हुआ है तभी डोनेट कीजिए, खराब हुई चीज़ डोनेट नहीं करनी है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कुछ पजल्स वगैरह होती हैं जो बच्चे खेलते हैं, पजल्स का कुछ एक एक सिंगल पीस भी अगर मिस हो जाता है तो वो पजल किसी काम की नहीं रहती है, बच्चे अननेसेसरीली परेशान होते हैं क्योंकि वो पजल्स बन ही नहीं पाती हैं। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा है कि जो पुराने टॉयज हैं जो अब यूज़ में नहीं आते हैं आपके बच्चों के, तो जस्ट डोनेट दैम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपके घर में एक तो स्पेस हो जाएगा, नेक्स्ट कि आपके घर में और नए सामान के लिए जगह बन जाएगी। नेक्स्ट थिंग कि जब हम अपने घर में मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं किचन के लिए ना बहुत सुंदर सुंदर से कंटेनर्स परचेज करती हूँ, लेकिन पुराने वाले नहीं निकालती हूँ, वो स्टिल वहीं की वहीं रहते हैं और नए कंटेनर्स आते हैं, तो नए कंटेनर्स काफ़ी टाइम तक तो यूज़ ही नहीं आते हैं। तो इस बार से मैंने भी आदत अपनी चेंज की है, तो मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी अगर आप कोई नए कंटेनर्स लेकर आते हैं तो जस्ट यूज़ देम, और जो पुराने वाले हैं जो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो जस्ट डोनेट देम, अपनी मेट को दे दीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए, यार कोई इतना खास इतने महंगे नहीं आते हैं, जो थोड़े सस्ते मस्ते से हैं ना फेंक दिया कीजिए, क्योंकि जब नए कंटेनर्स आ गए तो पुराने कंटेनर्स का कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ऑनलाइन बहुत सारा सामान परचेस करते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे डिब्बे आते हैं, अगर आप लोगों के वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो अननेसेसरली उनको इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको फेंक दीजिए, या फिर आप कोई कबाड़ी वगैरह वाला आता है तो उसको बेच दीजिए, क्योंकि ये डिब्बे ना जगह तो ज़्यादा लेते हैं और हमारे किसी यूज़ के नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इनको यूज़ करना तो आप DIYs बहुत सारे होते हैं पुराने ओल्ड कार्टन्स के भी, मैंने भी शेयर किए हैं, आप वो देख सकते हैं, या तो उनको उस तरीके से यूज़ कर लीजिए, नहीं यूज़ करते हैं अगर आप DIYs नहीं बनाते हैं तो आप इनको बेच दीजिए या फेंक दीजिए, क्योंकि ये अननेसेसरली आपका स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जब दिवाली की क्लीनिंग करते हैं ना पैन बहुत सारे निकलते हैं, पैन हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ
यूज हो जाते हैं, खाली भी हम उनको ना रखे रखते हैं, पता नहीं क्या सोच कर तो हम लोग रखते हैं, तो जस्ट थ्रो देम। अगर वो यूज के हैं, अगर थोड़ा बहुत भी रिफिल है, अगर आपको लगता है कि यूज महंगे, देन जस्ट कीप देम, अदरवाइज जस्ट थ्रो देम आउट। क्यों उसको इकट्ठा करना है यार, फालतू की चीजें मत इकट्ठी करो, जस्ट थ्रो देम आउट। इस दिवाली अपने घर को क्लीन बनाइए और पटाखे वगैरह ना चलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, अच्छे अच्छे से प्लांट्स लेकर आएँ। इस बार मैंने दिवाली पर यही किया है कि मैंने अपने घर के लिए बहुत सारे प्लांट्स परचेज किए हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लांट्स लगाएंगे, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाइए, प्रदूषण मत फैलाइए और सेफ दिवाली मनाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए ये हेल्पफुल लगा आपको, ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।